हाँ जी, तो मेरे किरदार का नाम है शिखा देशपांडे। इसकी जर्नी है जो ये बचपन से लेके इसकी 30-32 तक भी हमने इस फिल्म में डॉक्यूमेंट की है। ये पहली बार है जब मैं एंटी लॉग किरदार पोर्ट्रे कर रही हूँ। अगर मैं अपने कैरेक्टर को क्लिनिकली डायग्नोज करूँ तो शी इज़ अ सोसियोपैथ एंड शी इज़ अ साइकोलॉजिकल सीरियल किलर एट द सेम टाइम। जो टाइटल है फिल्म का पोषण पा, वो एक पोइट्री है जो बचपन से हमने सुनी हुई है, जो इस फिल्म के लिए बी फिटिंग है, जो डायरेक्टर ने परफेक्ट चॉइस की है शुमन दा ने, कि हाउ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड हाउ द टाइनी इम्प्रेशंस ऑफ आर चाइल्डहुड लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ आर अडल्टहुड एंड आर लाइफ। वो बोलते हैं ना, भूत के पाँव पालने में होता है, ऐसा कोई कहावत है ना। सो आपके बचपन से हर चीज़ कनेक्टेड होती है और ये उसी की जर्नी है। सो यू जस्ट वॉच इट, इट्स अ ग्रेट साइकोलॉजिकल थ्रिलर एंड पहली बार हम फीमेल टॉक्सिसिटी को इस लेवल पे देखेंगे एंड माय कैरेक्टर इज़ ऑन द डेथ रो, सो विच इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। इंडिया में आई थिंक आज तक कोई भी कैरेक्टर डेथ रो पे औरत को डाला नहीं गया है। तीनों है डेथ रो पे? नो, नॉट इन द फिल्म। सो इन द फिल्म, सॉरी, इन द फिल्म आई एम ऑन द डेथ रो एंड इन इंडिया विच इज़ वेरी स्कैरी थॉट, कोई भी औरत को आज तक डेथ रो पे नहीं हैंग किया गया है एज पर द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री को। सो इट्स क्वाइट, इट्स अ वेरी करेजियस फिल्म एंड कुडोस टू निमिषा फॉर गोइंग टू द स्केरियस्ट प्लेसेस इन हर ब्रेन टू राइट दिस। शुमंदा एंड रवि सर टू एग्जीक्यूट इट पार एक्सीलेंस, प्रोड्यूसर Z5 टू गिव अस अ मास प्लेटफॉर्म, क्योंकि जी की जो रीच है वो इमेंसली ह्यूज है। जी का जो एक मास ऑडियंस से कनेक्ट है वो तो मैंने टेलीविजन में जी के साथ काम किया हुआ है तो मैं जानती हूँ। सो थैंक, आई थिंक इट्स अ ग्रेट कोलैबोरेशन। आई एम एक्सट्रीमली ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। फिल्म में जो लुक है उसके बारे में भी जानना। लुक के लिए देखिए, आई लाइक योर हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट टुवर्ड्स आवर फिल्म। अपने लुक को देख के खुद ही मैं स्क्रिप्ट को पढ़ के डर गई थी, मुझे स्क्रिप्ट को पढ़ के घृणा हुई थी। और लुक जो है, मैंने आई एम प्लेइंग अ स्ट्रीट किड, सो वी हैव गॉन डार्कर ऑन स्किन टोन। हमने स्किन टोन 6 टोन्स लाइट किया। मेरे मेकअप आर्टिस्ट धनंजय और स्वाति ऑन द है एंड ऑब्वियसली शुमान सर को पता था उनको इस कैरेक्टर को कैसे दिखाना है, उसको हमने एक्चुअली बहुत नॉर्मल रखा हुआ है। मेरी जो आईज़ है हमने हेजल लेंस यूज़ की है, क्योंकि जो मेरी बचपन की कास्टिंग थी उसकी हेजल आइज थी। सो एवरीथिंग एजिंग वाइज, इमोशनली एजिंग वाइज, एवरीथिंग इज एज पर द सिचुएशन एंड द जर्नी ऑफ दिस गर्ल हैज़ लेड एंड इट्स डायरेक्ट चूजन बाय द डायरेक्टर एवरीथिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं एक वो जो 55 वाली एज का है और महाराष्ट्र प्ले कर रही हूँ पहली बार, तो वो मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा डायलॉग बाजी है, बिकॉज जो ये कैरेक्टर है ये बहुत चुप और शांत रहने वाला कैरेक्टर है और अंदर गुस्सा है बहुत, तो वो जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके अंदर कम गुस्सा होता है, जो लोग शांत रहते हैं पैसिव अग्रेसिव। यस एग्जैक्ट, हाँ। तो वो तो जो है वो बात करती है अपने आँखों से, अपने चेहरे से बात करती है और ऑब्वियसली जो लुक है वो उसका बहुत बड़ा योगदान होता है इसमें, बिकॉज और आपको अपने डायरेक्टर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब सुमंदा चाहते थे कि मैं ऐसा कैरेक्टर करूं जो ये महाराष्ट्रियन है और इस तरह के डायलॉग बोल लूँ, टिपिकल महाराष्ट्रियन नहीं बोल पा रहे हैं बिकॉज रीच बहुत ऑडियंस की रीच है, तो वो एक लैंग्वेज को नहीं पकड़ सकते, लेकिन उसके हमने जो थोड़ा थोड़ा ऑडियंस है वो पकड़े हैं। येस, बट येस लुक पे आप अगर अब जब आप देखेंगे वो भी आपको दिखेगा कि काफ़ी लुक पे भी काम किया है कि वो कैरेक्टर लगे और कैसे वो एज होती है, वो कैरेक्टर एज होती है, उनके बाल कैसे एज होते हैं, उनकी लुक फेस सब अगर आप देखेंगे तो काफ़ी मेहनत की गई है उसके ऊपर। यस,